अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। मैंने कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने एक पूरा का पूरा फ्लैट लेके उसके अंदर अपने आर्ट वर्क का काम शुरू किया था और वो फ्लैट मेरे घर के ऊपर ही था एक्चुअली। तो मैंने सोचा उस पर अपडेट्स देती हूँ कि उसका क्या बनाया और मैं अब क्या कर रही हूँ। उस फ्लैट में मेरी जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मालिक मकान है, वो कुछ रेनोवेशन करवाना चाहती थी और सेकेंडली मैं वो ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं कर रही थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दो कमरे यूज़ कर रही थी, उसमें से भी सिर्फ एक कमरा पेंटिंग के लिए यूज़ कर रही थी। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं रेनोवेशन वहाँ नहीं करवाऊँगी। वो कही थी कि तुम फ्री में ले लो और रेनोवेशन करने दो मुझे, तो मैं फिर वापस नीचे शिफ्ट हो गई। बट मैंने ये किया कि अपने घर में जो ड्राइंग रूम है उसको मैंने तकरीबन खाली कर दिया। ये थोड़ा सा सिटिंग एरिया रह गया बस, बाकी सारा खाली हो गया। और मैंने सामान को बाकी कमरों में रख के टीवी रूम में कुछ एडजस्ट किया, कुछ बाकी बेडरूम्स वगैरह में रख के, और ये पूरा एक ऑफिस एरिया और वर्क एरिया बना दिया। तो ड्राइंग रूम्स मोस्टली इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे काफ़ी खुली स्पेस रहेगी। अभी मैंने काम नहीं शुरू किया, अभी तो मैंने सिर्फ ये सारा कुछ सामान वगैरह रखा है यहाँ पे और शिफ्ट किया सब चीज़ों को। एज सून एज आई स्टार्ट माई वर्क तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसा रहा है वो। ये स्पेस उतनी खुली नहीं है जितनी वो थी, उतना बड़ा एरिया नहीं है ये, पर लकीली मेरे कुछ फर्नीचर के नीचे टायर्स हैं तो मैं उसको मूव करके इसको थोड़ा खुला कर सकती हूँ जब भी मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि ट्रॉली मैं हिला सकती हूँ यहाँ से, बट अदरवाइज़ ये है कि इतनी भी तंग स्पेस नहीं है। आई वंडर मेरे जहन में आइडिया पहले क्यों नहीं आया, मुझे पता ही नहीं था कि ज़्यादा स्पेस से फर्क कुछ पड़ता है, इसीलिए शायद ये आइडिया मेरे जहन में नहीं आया। बट अदरवाइज़ आई थिंक यहाँ पर काम अच्छा हो जाएगा। पर अभी मैंने काम बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, मैं शुरू करूँगी तो फिर ही मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि कुछ फर्नीचर मूव करना पड़ेगा या नहीं। अभी दो तीन दिनों से मैं यहाँ सामान ही शिफ्ट कर रही थी और सारे जंक, पता नहीं जंक कैसे इकट्ठा हो जाता इतनी जल्दी, और वो सब फेंक रही थी। और अब काफ़ी अच्छा हो गया सब कुछ। अब मेरा पेंटिंग करने को दिल कर रहा है, इसलिए मैंने नई वीडियोज़ जो एडिटिंग के लिए रखी हुई थी वो मैं एडिट नहीं फ़िलहाल करूँगी, अभी मैं कुछ काम कर लूँ। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे जो शॉप है वो काफ़ी अच्छी चल गई थी और मेरी पर मंथ 3 to 5 और समटाइम्स 6 to 7 सेल्स भी हो रही थी। पर ऑल ऑफ अ सडन मेरी मालिक मकान ने कहा कि मैंने कुछ रेनोवेशन करानी है जो 1-2 हफ्ते लेगी और उसके बाद आप लोग अपने काम करते रहना। तो मैंने अपना सारा सेटअप उठा लिया, पर वो 1-2 हफ्ते की रेनोवेशन चलती गई और सब सामान जहाँ जहाँ से मज़दूरों ने गुजरना था वहाँ वहाँ से सामान भी उठाना पड़ा। और अगर आपने घर में रहते हुए कभी रेनोवेशन करवाई है तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना काम बढ़ जाता है। और वो रेनोवेशन चलते चलते ऑलमोस्ट 1.5 ईयर गुजर गया और मैंने कोई काम ही नहीं किया और मेरी तकरीबन 2 या 3 लाख पर मंथ से इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 0 पे आ गई। शुक्र है वो माइनस में नहीं गई, फिर भी कुछ ना कुछ सेल हो जाता था, मगर काफ़ी डेड हो गई शॉप। और मुझे लगा कि वापस जब मैं काम करूँगी, सेटअप दोबारा से होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हम लोग इतना बीमार हो गए उसके रेनोवेशन के ख़त्म होने के बाद, वो सारा वक्त सीमेंट और धूल मिट्टी के बाद जो है वो बुरी हालत हुई हुई थी सबकी। पर जब सब कुछ ठीक हुआ तो मैंने शॉप स्टार्ट की तो एक बम्बारमेंट हुई शॉप के ऊपर मैसेजेस की कि आपने एटसी कैसे खोला, क्या किया। पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत क्वेश्चंस का रिजल्ट ये हुआ कि मैं यूट्यूब चैनल पर गाइड करने लग गई और आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर माई शॉप। लेकिन अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी पहले सेल ज़्यादा क्यों हो रही थी और अब क्यों कम हो रही है, तो क्या एटसी ने तो नहीं कोई ऐसे रूल्स बनाए। तो इसमें एटसी का कोई हाथ नहीं है, ये अपने ही पर्सनल रीजन्स की वजह से हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक्सप्लेन कर दूँ, कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर रहा है कि एटसी शायद कुछ ऐसा कर रहा है कि शॉप खोलने का फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी शॉप खोलें। और कई लोगों को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद एटसी पाकिस्तानियों की शॉप बंद कर देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी के कॉपीराइट्स वायलेट नहीं कर रहे तो फिर आपको एटसी शॉप आपकी बंद नहीं करेगा। आप ख्याल रखें कि आपकी शॉप के नाम में भी कोई ऐसा वर्ड ना आए जिसके किसी ने कॉपीराइट्स लिए हुए हैं, तो फिर इंशाल्लाह सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि वो आपकी शॉप बंद कर दें। एक्चुअली एटसी पे बहुत अच्छी सेल हो जाती है। जब मेरी रेनोवेशन से पहले शॉप चल गई हुई थी तो मुझे बहुत मैसेजेस आते थे लोगों के कि नया काम कब आएगा, हमें ख़रीदना है। और जब मैं अपलोड करती थी नए काम को तो अभी मैंने सारी फ़ोटोग्राफ्स भी नहीं डाली होती थी एक प्रोडक्ट की, तो कोई ना कोई चेकआउट कर जाता था। फिर मैं कोशिश करती थी सारी फ़ोटोग्राफ्स ड्राफ्ट में बना के फिर अपलोड करूँ ताकि जो चेकआउट करे वो सारी पिक्चर्स तो देख ले एटलीस्ट, मतलब प्रोडक्ट की सारे एंगल से पिक्चर्स देख ले एटलीस्ट।
तो जब वो सेल होती थी तो कई लोगों के मैसेजेस आते थे कि ये हमने ख़रीदना था, ये बिक गया है, अब इसको कस्टम ऑर्डर पे आप बना के दें। कई लोग कहते थे कि नहीं, अब नए काम का हम वेट कर रहे हैं, वो कब आएगा। तो मुझसे बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा था, इतना हैंडल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैसेजेस भी करने पड़ते थे, पैकिंग भी मैं खुद ही कर रही थी, और मैं सब कुछ ईमेल्स खुद ही करती थी, उनको क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही देती थी, और पेंटिंग साथ करना, फिर नए आइडियाज़ के बारे में सोचना, अपलोडिंग, ये सब कुछ काफ़ी टाइम लेता है। तो मैं बहुत तेज़ी से काम नहीं कर सकी, मगर जो भी मैं अपलोड कर रही थी बहुत जल्दी जल्दी बिकता था। तो एटसी पे एक दफ़ा आपकी ऑडियंस बन जाती है, एक दफ़ा आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं, तो फिर वो बहुत शौक से बार बार आके भी ले लेते हैं आपसे प्रोडक्ट, और उनको आपके नए काम का इंतज़ार रहता है। उनको एक तरह से जो प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर उनको ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आती है कि आप काम रेगुलरली कर रहे हैं, तो उनको आपका काम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप काम अपलोड करें, अच्छी तरीके से बनाएं, और परफेक्शन की तरफ ग्रेजुअली आप जा सकते हैं, एकदम से नहीं जा सकते, मगर इम्प्रूवमेंट्स साथ साथ करते रहें, स्टक ना हो या स्टिल ना हो कि बस अब अपलोड कर दिया है तो खुद ही बिकता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन स्ट्रगल के बाद जब वो चलती है एक दफ़ा शॉप, तो बहुत अच्छी चल जाती है, एटलीस्ट मेरी तो चल गई थी अच्छी। रिस्क तो अल्लाह ताला देते हैं, मैं गारंटी तो नहीं कर सकती कि सबकी सही चलेगी या मेरी भी दोबारा चलेगी या नहीं, तो ये तो नहीं हम कह सकते, पर हम स्ट्रगल तो कर सकते हैं, उससे तो किसी ने नहीं रोका। तो आप जो एफर्ट कर सकते हैं वो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी शॉप चल जाएगी। और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछें नीचे, मैं आंसर करूँगी। ओके देन, खुदा हाफिज़। मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि सारा सामान भी मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स स्टोर हुई हुई ऊपर तक। सबसे ऊपर मैंने सबसे बड़ी आर्ट पीसेस रखे हुए हैं, जो बड़ी पेंटिंग्स हैं वो ऊपर हैं, और कुछ फ्रेम्स हैं, एंड देन ऑल माय वर्क। तो मैं इसको प्लास्टिक में कवर नहीं करती, बिकॉज पेंटिंग्स को प्लास्टिक में कवर नहीं करना चाहिए, उससे फंगस लग सकती है। तो दिस इज़ इट, खुदा हाफिज़।